मैजिकल मोटिवेशंस में आपका स्वागत है। पावन वर्षा योग की बात है, एक संत महात्मा किसी नगर की ओर जा रहे थे और वही के लोगों के अनुरोध पर उनके पावन वर्षा योग की स्थापना उनके नगर ही में हुई। इस दौरान संत महात्मा सावन के चार महीनों में कहीं और नहीं जाया करते हैं, वो एक ही जगह पर रहकर अपनी साधना करते हैं। इसी क्रम में संत रोज किसी न किसी घर में भोजन करने जाते हैं, उसके पश्चात उनका ध्यान करना होता है, उसके बाद भक्तों के सम्मुख उनके प्रवचन होते हैं और वहाँ के लोग भी उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनकर उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। एक रोज की तरह गुरु महाराज भोजन करने हेतु एक व्यक्ति के यहाँ पर पहुँचे और उस घर की महिलाओं ने उनका पूजन आदि कर उनको भोज के लिए आमंत्रित किया और संत को विनय पूर्वक भोज करवाया। भोजन करने के बाद संत महाराज जी वहाँ से जाने के लिए निकलने लगे तो उस घर के बाहर एक व्यक्ति ढोल नगाड़े बजाने वालों के साथ बड़ी जोर शोर के साथ नाचने लगा और कहने लगा, मेरे घर आज गुरुवर आए, मेरे तो भाग्य खुल गए। इस तरह से वो बहुत नाचने लगा। ये नज़ारा देखकर गुरुजी ने वो खड़े लोगों से पूछा, कौन है ये व्यक्ति? तो लोगों ने कहा, ये वो व्यक्ति है जिसके घर आज आपका भोज संपन्न हुआ था। तो संत बोले कि इतना क्यों नाच रहा है ये? लोग बोले, संत जी इसने शराब पी रखी है और उसके नशे में बेसुध होकर नाच रहा है। ये सुनते ही संत जी के मन ये विचार आया कि ये क्या अनर्थ हो गया, आज इस अधर्मी के यहाँ हमने क्यों भोज कर लिया, हमारा तो धर्म भ्रष्ट कर दिया इसने। ये सोचते सोचते संत वहाँ से चले गए और जाकर अपने आश्रम में ध्यान लीन हो गए। उधर वो शराबी पूरे नगर में मुफ्त में लोगों की शराब बांट कर पिला रहा था। अब कुछ लोग संत जी के पास पहुँचे और इतने में वो शराबी भी संत के आश्रम में पहुँच गया। अब जैसे ही संत जी ध्यान मुद्रा से बाहर आए तो उन्होंने वो उन लोगों को और उस शराबी को देखा। लोगों ने उनको नमस्कार किया और बोले, संत जी ये शराबी यहाँ भी आ गया और हमसे कह रहा है कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारे घर संत के चरण पड़ गए और उनका भोज हुआ, इसलिए आज गुरुजी जो भी बोलेंगे वो मैं कर सकता हूँ। अब संत जी तो पहले से ही विचलित हो रहे थे, उनको मौका मिल गया शराबी को कुछ कहने का। तो संत ने कहा, कुछ भी करोगे? शराबी बोले, जो आप कहें। संत ने कहा, सोच लो। शराबी बोला, संत जी आज तक आपका वास्ता धार्मिक लोगों से पड़ा है, आज पहली बार शराबी से सामना हो रहा है, कहिए जो कहना है, मैं आपको वचन देता हूँ कि जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा। तो संत बोले, एक काम करो, सबसे पहले घर जाओ, खाना खाओ और सो जाना, फिर सोकर जब उठो तो सीधा मेरे पास आ जाना। शराबी बोला, ठीक है, और वो वहाँ से चला गया। घर जाकर खाना खाया और सो गया। सोकर जैसे ही उठा उसे याद आया कि संत जी के पास जाना है और वो नहाकर सीधा संत के यहाँ पहुँचा और बोला, बताइए संत जी मुझे क्या करना है? संत ने कहा कि एक बार और सोच लो। उसने बोला, सोच लिया, आप तो बोलिए। संत जी कहा कि तुम आज से न तो शराब पियोगे और न ही पिलाओगे। ये सुनते ही शराबी बोला, संत जी यही तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी और अपने उसी को छोड़ने का बोल दिया। संत ने कहा, क्या हुआ, नहीं करोगे क्या? शराबी बोला, जी जरूर करूंगा, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैंने आपको वचन दिया था, अब उसका पालन करना मेरी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद से उसने शराब पीना और पिलाना छोड़ दिया और उनके घर वालों साथ के सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक गुरु ने अपने भक्त का जीवन बर्बाद होने से बचाया। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए जो हमें सही रास्ता दिखा सके, सही गलत का ज्ञान करा सके। तभी कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें एवं कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।